एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है जो आपको पहले पता नहीं थी, और बहुत सारे अपने दिल का दर्द भी आपके साथ बयां करना है। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपने वीडियोस को लेकर बहुत कंसिस्टेंट नहीं हूँ, और एक्चुअली मैं वही वीडियो बना रही हूँ जो स्पॉन्सर के होते हैं या पीआर्स वगैरह होते हैं, वही वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। पिछले दिनों लाइफ बहुत ही चेंज हुई है मेरी, बहुत सारी हैक्टिक चीज़ें हुई है मेरे साथ, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। YouTube की बात पहले करूँ तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं YouTube पे हूँ। 2016 के नवंबर महीने से मैं YouTube पे हूँ। ऑलमोस्ट 6 साल हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल, 5.5 साल हुए। आई नो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाई हूँ, क्योंकि हर टाइम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही है मेरे साथ। लाइक पहले मिसकैरेज की प्रॉब्लम, फिर सिटी चेंज करने की प्रॉब्लम, फिर बेबी हुआ, फिर अपने आप को संभालना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ मेरे साथ हुई है, और इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई है। लेकिन बुरी चीज़ों को हटा देते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अपने मन का दर्द है वो आपके साथ बयां करूं। पिछले काफ़ी टाइम से ना मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई हूं। इसका रीज़न ये है कि इतने टाइम से यहाँ पे यूट्यूब पे काम करने के बाद भी मुझे वो सपोर्ट, वो आप लोगों से प्यार नहीं मिल पाया जिसकी मैं हकदार हूँ। जितना मैं मेहनत करती हूँ उतना आप लोग मुझे प्यार नहीं देते। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है, और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जो आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों का सपोर्ट जैसे दूसरे यूट्यूबर्स को मिलता है वैसे ही मुझे मिले, और मैं यही चाहती हूँ। मेरे वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो कोई दिखावा नहीं रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि मैं रियल में ऐसी हूँ और प्रोफेशनल लाइफ में वैसी हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, बहुत अच्छा मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत अच्छा घर नहीं है मेरा, बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है मेरा, बहुत अच्छा सब कुछ नहीं है मेरा, लेकिन मैं जैसा भी है वो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो मुझे नहीं पता कि ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। अभी मुझे कुछ टाइम से ये दिख रहा है कि पिछले 2 साल पुराने वीडियोज़ है वो तो अभी चल रहे हैं, लेकिन आज के वीडियोज़ जो है उसमें कुछ काम के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और ऐसे में आपको काम करने का मन नहीं करता है। मैं आपने देखा होगा पहले मेरे ओरिजिनल कंटेंट भी आते रहते थे, अभी तो जो पीआर स्पॉन्सरशिप आते हैं मैं उसका कंटेंट ही ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मन नहीं लगता, आप लोग इतना सपोर्ट ही नहीं करते। और ये वजह थी कि मैं वीडियो पे कंसिस्टेंट नहीं थी, और जब मैं वीडियो पे कंसिस्टेंट नहीं थी तो मैंने मीन्स अपने यूट्यूब पर कंसिस्टेंट नहीं थी तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे फोकस किया, और टचवुड इंस्टाग्राम पे मुझे लोगों ने प्यार दिया, लोग सपोर्ट मिला, इंस्टाग्राम पे लोग काम कर रहे हैं, बट पता नहीं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं आते हैं। और जो भी यूट्यूब चैनल पे आते हैं ना वो अननेसेसरी दूसरे सवाल पूछते हैं जो कि जो इस चैनल का नीच नहीं है। तो मुझे ये चीज़ का थोड़ा सा फील होता है कि जिस टॉपिक को लेकर मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ उस टॉपिक के बारे में कोई नहीं पूछता, उसके बारे में कोई ये नहीं करता। वीडियो किसी भी टॉपिक का हो और क्वेश्चन किसी टॉपिक का आता है तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा डिसहार्ट करती है, मुझे बुरा लगता है इस चीज़ का। आई नो आप लोग की प्रॉब्लम है इसलिए आप पूछ रहे हो, लेकिन यार उसके लिए स्पेसिफिक मैंने चैनल बना रखा है, वहाँ पर जाकर पूछो ना। तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ का बहुत हर्ट होता है कि आप लोग उस तरीके से मुझे प्यार और सपोर्ट नहीं दिए जो मैं चाहती थी, जिसकी हकदार थी। और दूसरे से मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि भाई सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ खुद को, क्योंकि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, उनका लक अच्छा है, उनके ऑडियंस उनको प्यार करते हैं, मेरी ऑडियंस शायद मुझे प्यार नहीं करती है, या मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं मतलब मेरा अगर कुछ अच्छा नहीं लगता उनको तभी तो प्यार नहीं करते हैं। खैर, ये तो ही मेरा दिल का दर्द। अब चलो लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस टाइम में जब ये वीडियो बना रही हूँ मैं, तो कुछ चीज़ें हमारे साथ अच्छी भी हुई है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैं बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन स्टोर चलाती थी, मेकअप लव स्टोर के नाम से मैं चलाती थी पहले,
उसके बाद काफ़ी टाइम तक चलाया। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो भी ये सेलिंग का काम था, एक्चुअली मेरा ही, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ले गया। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ले जाने के बाद भी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बात बताई थी कि उसमें भी बहुत बिजी थी। इसके बाद पिछले साल लाइफ में कुछ चेंज आया और पिछले साल हम लोगों ने अपना न्यू लॉन्च किया, अपना ब्रांड लॉन्च किया। अपना ब्रांड इन द सेंस हमारा ब्रांड लाइक लैक्मी, लाइक कोई भी ब्रांड, वैसे ही हमारा ब्रांड है, वो है प्योर ओशन इंडिया। प्योर ओशन इंडिया स्टार्ट करने का रीजन ये था कि हर कोई के लाइफ में एक दिमाग में एक कीड़ा चलता है ना कि हमें ये करना है। तो मेरे दिमाग में भी भर भर के कीड़े, बहुत सारे कीड़े हैं, जिसमें से ये कीड़ा एक शांत हुआ कि अपना एक ब्रांड होना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो लास्ट ईयर ही हम लोगों ने अपना, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हमने अपना ब्रांड रजिस्टर किया और हम लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च भी किया। फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं, एक्चुअली हमारे जो एसकेयू है, एसकेयू यानी कि जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 20 है, और 20 प्रोडक्ट अभी तक हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। अब जब ब्रांड नया रहता है तो इतना ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से आए, और यूट्यूब पे भी मेरे आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो भी हम लोगों ने हिम्मत किया और उस पर काम किया। और स्टार्ट हम लोगों ने किया था सिर्फ 5 प्रोडक्ट से, लेकिन अभी इस साल ये मई मंथ तक, जब तक ये वीडियो बना रही हूँ, हमारे पास 20 SKU है, यानी कि 20 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। और ये एक स्किन केयर ब्रांड अभी फिलहाल है, इन फ्यूचर हम मेकअप में भी जाने वाले हैं और भी चीज़ें करने वाले हैं। सिर्फ मेकअप और स्किन केयर नहीं रहेगा, और भी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। हाँ, अभी बता दूँ कि हाँ, ये ब्रांड जो हम लोगों ने लॉन्च किया, तो अभी हम लोगों ने वेबसाइट का भी तैयारी की थी, लेकिन वेबसाइट अभी तक हमारी बन नहीं पाई है, या हमें वैसा बंदा कोई मिल नहीं पाया है जो हमारी वेबसाइट को अच्छे से बना पाए। और बिकॉज हम लोग भी IT फील्ड से नहीं है, तो हमें सामने वाला बुद्धू बना दे, ऐसा भी हो रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने अभी टाइम लिया, हम लोगों ने अपना जो भी ब्रांड है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब पे अपना डाला है। तो वहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा बहुत अच्छा है। हमारे ब्रांड का जो एलोवेरा जेल है, अगर आप अमेजोन पे देखोगे ना, तो उसकी उसकी जो रेटिंग है बहुत अच्छी है, अमेजोन उसको रेकमेंड करता है। सबसे अच्छी बात ये है, तो अगर अमेजोन किसी ब्रांड को रेकमेंड कर रहा है तो वो बहुत अच्छा ब्रांड हो, ये आप जानते हो। तो अमेजोन हमारे ब्रांड को रेकमेंड करता है, और सिर्फ एलोवेरा जेल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं बोल सकती हूँ कि अदर्स कोई भी ब्रांड यूज़ कर रहे हो ना, कोई भी ब्रांड उससे बेटर हो सकती है। हमारा जो रोज टोनर है वो आप खुली आंखों से अपनी आंखों में डाल सकते हो, आपको जलन नहीं होगी, किसी भी तरह का इरिटेशन नहीं होगा, आप खुली आंखों में डाल सकते हो हमारा रोज टोनर। तो काफ़ी अच्छा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा चल रहा है। हम अपने ब्रांड, जो भी हमारे ब्रांड में जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, या जो न्यू लॉन्चेस है, उसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगी। उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, प्लीज। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हमने काम स्टार्ट किया और उस पर अच्छा काम चल रहा है। तो मैंने अपना रुझान जो है ना, इन दिनों अपने बिजनेस पे लगा दिया। तो क्योंकि इसमें जब भी आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हो या किसी तरह का आपको आप काम कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारा काम रहता है, और आप जानते हो कि स्टार्टिंग में आप इतना कैपेबल नहीं हो पाते कि बहुत सारे लोगों को पे करो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। आपको सोशल मीडिया देखना होता है, आपको उसकी सेलिंग देखनी होती है, उसकी इन्वेंट्री देखनी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना अपना काम बांट रखा है, मैं और मेरे हस्बैंड टोटली इसमें इन्वॉल्व है, और हम लोगों ने अपना अपना काम बांट रखा है। और आप जानते ही हो कि मैं छोटे बेबी की मम्मा हूँ, तो मेरे पास भी टाइम की कमी रहती है। फिर मैं एक यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्रामर हूँ, और भी बहुत सारे काम कर रही हूँ। धीरे धीरे आपको जो मेरा पिटारा खुलने वाला है बताऊँगी मैं आपको। तो बहुत सारे काम कर रही हूँ, तो टाइम की कमी मेरे पास बहुत रहती है, और YouTube पे भी कम मन नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दे दो तो मैं YouTube पे कंसिस्टेंट हो जाऊँ, क्योंकि YouTube ही मेरा पहला प्यार है। YouTube तब मैंने शुरू किया था जब मैं कुछ नहीं थी, इन द सेंस जब मैं खाली थी, और जब मैं बहुत बुरे सिचुएशन में थी, जब मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था, तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और यूट्यूब से मैं प्यार करती हूँ, लेकिन यूट्यूब की ऑडियंस पता नहीं मुझे प्यार क्यों नहीं करती है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट, अपना प्यार, सब प्यार दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए,
क्या आपको एक सब्सक्राइब एक वीडियो देखने में क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, सब कुछ फ्री है। मैं तो मुझे तो वो ज्वाइन बटन जो होता है ना, जो ऑडियंस अपने जो भी चहेते सब यूट्यूबर्स हैं उनको कुछ पे करते हैं, मैंने वो भी नहीं लगाया, क्योंकि फ्री में तो कोई देखता ही नहीं है, पैसे देकर कौन देखेगा। सच बात है ना, देखो मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, मेरे को ये पीठ पीछे वाली बात नहीं आती हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट मुझे यूट्यूब पर दीजिए, ताकि थोड़ा सा नाम, पैसा तो खैर मैं दूसरे काम भी कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा नाम भी मुझे चाहिए, फ्रेम चाहिए, एक फीमेल एंटरप्रेन्योर के तौर पे मेरी भी पहचान बननी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ, जैसे सभी की है। मेरे बहुत सारे आइडियल हैं, या नायका उन ओ, मेरी आइडियल है, आपको मैं बोलूँ जो वाइस शी की ओनर है वो मेरी आइडियल है, वो कफ से लेसेस की ओनर मेरी आइडियल है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो फीमेल एंटरप्रेन्योर है, जो अपना काम कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो सभी मेरे आइडियल है। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे वो लोग थोड़ा सा फेमस है, थोड़े से मेरे को भी फेमस बना दो यार, फेमस बना दो, उससे क्या जा रहा है। मैं भी तो उतना ही मेहनत कर रही हूँ, क्या मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ? बताओ, मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ? एक छोटे बच्चे के साथ इतने सारे काम करना बहुत मेहनत का काम होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग दिखाइए, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप लोग हैं मेरे साथ और आप लोग मेरी केयर करते हो। प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे दिखाइए और थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दीजिए, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ूँ, और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए तो चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो प्लीज़। ये हुआ, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक और ब्रांड रजिस्टर्ड किया है, मीन्स एक ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड किया है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों से आने वाले टाइम में बात करूंगी। एंड हाँ, इस मंथ बहुत सारे न्यू लॉन्चेस होने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आने वाले वीडियोज़ में बात करूंगी। प्रोडक्ट भी हम लोगों ने लॉन्च ऑलरेडी कर लिया है, एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे कभी बताया ही नहीं कि हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये मेरा ब्रांड है, लेकिन अब मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब वो एक दो सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं हम लोग, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में बताऊँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का 100% सपोर्ट मुझे मिले, जिससे कि एक जो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप है ना, खासकर फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके साथ हम भी आगे बढ़े, मैं भी उसमें एक लाइन में, मेरा भी एक जगह हो कि अपने देश को, अपने समाज को, अपने घर को और खुद को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प करो आप भी। और हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 100% क्वालिटी फ्री, वीगन एंड स्किन फ्रेंडली, किसी भी टाइप के स्किन पे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस ब्रांड को लॉन्च करने से पहले हम लोगों ने हर प्रोडक्ट के लिए 2 साल से हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को ट्राई किया है, बहुत सारे चीज़ों को आजमाया है, फिर जाके हम लोगों ने ब्रांड लॉन्च किया है। और हम हमेशा चाहेंगे, हर कोई चाहता है कि उसका ब्रांड बेस्ट रहे, उसके जो भी कस्टमर है वो उसको सपोर्ट करे, हम भी चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, और हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट दो। प्लीज़ जितना प्यार इंस्टाग्राम पे देते हो, उतना प्यार थोड़ा सा यूट्यूब पे दे दोगे तो आपको क्या जाएगा? कुछ नहीं, तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दो, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ूं, और लाइफ में जो हम लोगों ने भी एम किया है वो सक्सेसफुल हो। मैं प्योर ओशन इंडिया को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूं, ताकि हमारा ब्रांड सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे आउट ऑफ इंडिया में भी उसका एक नाम हो, उसकी पहचान हो, जैसे लैक्मी जो है वर्ल्ड वाइड उसका नाम है। आई डोंट नो कि इंडिया के और कोई ब्रांड होगा जिसका वर्ल्ड वाइड नाम है, जिसको हर कोई जानता हो। लैक्मी एक बहुत पुराना ब्रांड है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम पहचान बनाई है, तो मैं वैसा ही चाहती हूँ कि मैं उस लेवल या उससे भी आगे जाऊँ। बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं कि हमेशा ऐसा सोचोगे तब यहाँ तक पहुँचोगे, तो मैं ऐसा नहीं और ऐसा सोचती हूँ, ताकि मैं यहाँ तक तो पहुँचूँ। तो बस इतना ही सारा बात बोलना था। प्लीज़ आप लोग अगर थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट मुझे भी दे देते हो मेरे वीडियोस पे, तो
मैं भी बहुत आप लोगों की हार्दिक शुक्रगुजार होंगी। और आप लोगों को जो भी टॉपिक पे वीडियो देखना है मुझे कमेंट किया करो, मुझे कमेंट में बताया करो ताकि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन चैनल का नीच देख के अगर आपको प्रेगनेंसी वगैरह से रिलेटेड वीडियो देखना है तो उस चैनल पे जाओ, इस चैनल का नीच वो अब नहीं है। मैंने बहुत टाइम से वो सब वीडियो इस चैनल पे बनाना छोड़ दिया है, तो इस चैनल पे वो चीज़ें आप मत पूछो मेरे से, दूसरे चैनल पे जाके वहाँ पे आप देख सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, लेकिन जितने भी देखेंगे प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बहुत शेयर करना, बहुत सारा शेयर करना ताकि अदर्स लोगों तक मेरी बात पहुंचे। और अगर आप फीमेल एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते हो देन प्लीज़ बहुत सपोर्ट करना, शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।